गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ओके फिक्सर पर। दोस्तों, कंजक्शन क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये भी इंग्लिश ग्रामर में। कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस को जोड़े, सेंटेंस को जोड़ने वाला जो होता है वो कंजक्शन होता है। तो दोस्तों, इसको पहले हमको ये समझना है कि इसको जोड़ता है। अगर नंबर एक पर हम बात करें दोस्तों, तो नंबर एक पर कंजक्शन जोड़ता है दोस्तों वर्ड और वर्ड को, यानी कि शब्द प्लस शब्द को जोड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल यहां पर ले लिया, राम एंड सीता, राम एंड सीता। और दूसरा यह जोड़ता है फ्रेज और फ्रेज को, फ्रेज यानी कि फ्रेजेज प्लस फ्रेजेज, इनको जोड़ता है। तो वह भी हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। नंबर तीन पर अगर हम बात करें तो क्लाउज, क्लाउज प्लस क्लाउज, यानी कि क्लाउज प्लस क्लाउज को जोड़ने वाला, क्लाउजों को जोड़ने वाला जो होता है वो भी हमारा क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन होता है। और नंबर चार पर अगर हम बात करें तो सेंटेंस, सेंटेंस प्लस सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को जोड़ने वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कंजक्शन चार चीजों को मुख्य रूप से जोड़ता है। पहला तो यह शब्द और शब्द को जोड़ता है, दूसरा फ्रेज और फ्रेज को जोड़ता है, तीसरा क्लाउज और क्लाउज को जोड़ता है, और चौथा सेंटेंस और सेंटेंस को जोड़ता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो कंजक्शन मुख्यतः दो टाइप का होता है, मुख्यतः इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। दोस्तों, इस तरह से यह जो है दो भागों में डिवाइड हुआ होता है कंजक्शन। और वास्तव में इससे मुख्य रूप से एरर कहां बनते हैं, इस बात को हम समझते हैं। जैसे यहां पर हम एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया, हमने लिखा व्हाट इज योर नेम, योर नेम, इस तरह से हमने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में हम कुछ और जोड़ दें, जैसे हमने कहा कि राम आस्क्ड, राम आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, योर नेम, तो बताइए दोस्तों यह सेंटेंस सही है गलत है? बिल्कुल गलत है यह सेंटेंस, क्योंकि यही व्हाट जो यहां पर इंट्रोगेटिव का काम कर रहा था, अब यहां पर कंजक्शन में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को सही करेंगे तो इसका हो जाएगा राम आस्क्ड, राम आस्क्ड व्हाट, व्हाट योर नेम, योर नेम इज हो जाएगा दोस्तों। तो यह सेंटेंस हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लास्ट में कंजक्शन के विषय में एक सबसे बड़ी बात बताते हैं कि कंजक्शन जहां भी यूज किया जाएगा, चाहे जहां भी यूज किया जाएगा, कंजक्शन के तुरंत बाद केवल और केवल सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, यानी कि कंजक्शन के बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा। अगर कंजक्शन के बाद कर्ता ना लिख करके कुछ और चीजें लिख दी गई हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें कंजक्शन के विषय में जो आपको जरूर से जरूर आनी चाहिए। जैसे कंजक्शन शब्द और शब्द को जोड़ता, फ्रेज प्लस फ्रेज को, क्लाउज प्लस क्लाउज को, सेंटेंस प्लस सेंटेंस को। टाइप की बात करें तो कोऑर्डिनेटिव सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। और उसके बाद अगर हम कंजक्शन की चौथी बात करें तो कंजक्शन के सीधे बात क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, जैसा कि हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिखा वाई आर यू, वाई आर यू बीपिंग, वाई आर यू बीपिंग, हमने एक क्वेश्चन लिखा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, ही asked, he asked why are you beeping, why are you beeping, तो यह सेंटेंस दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर why जो है कंजक्शन का काम करेगा। तो इस सेंटेंस का सही आंसर क्या हो जाएगा, he asked why, सब्जेक्ट लाएंगे
यू आर बीपिंग। ये सेंटेंस हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा,